आज हम बनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल पंजरी। ये पंजरी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। सर्दी को या फिर खांसी हो, कमर दर्द या फिर घुटनों का दर्द, सभी को ठीक करने वाली है। चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन रख लेंगे, पैन को हल्का गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक कप कोरिएंडर सीड्स लिया है, जो आपको मार्केट में किसी भी किराना स्टोर पर आराम से मिल जाएंगे। क्वांटिटी अपने हिसाब से तय कर सकती हैं। पैन पर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए 5 से 7 मिनट इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, पर इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तब 1 से 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल करके पाउडर को 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर टोस्ट कर सकते हैं। और धनिया को घी के साथ भून करके ग्राइंड करेंगे तो ये पाउडर बन करके रूखा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को देख करके ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। सीड्स में से चिटकने की आवाज आने लगी, कलर भी चेंज हो गया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक प्लेट, थाली या फिर परात में निकाल देंगे ज्यादा क्वांटिटी में है तो, और फिर इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर से गैस पर पैन को रख लेते हैं। इसमें 2 चम्मच के जितना घी को ऐड कर लेंगे। घी को बढ़िया सा मेल्ट होने देंगे, क्योंकि प्रसाद वगैरह घी से ही बनाया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब हमने 1 कप बादाम लिया है, इन्हें हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। आप इन्हें टुकड़ों में काट कर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा देर रोस्ट कर लेंगे। इतनी ही क्वांटिटी में काजू भी ऐड कर देंगे, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। कुछ देर रोस्ट करने के बाद मखाने भी ऐड कर देंगे, तो मखाने आप ज्यादा क्वांटिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें भी रोस्ट करने के बाद उतनी ही क्वांटिटी में किशमिश भी ऐड कर देंगे। इन्हें भी 2 से 3 मिनट बढ़िया सा रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाता है, ये तभी बढ़िया लगते हैं। अब हमने 1 कप नारियल ऐड किया है, तो ये घर का नारियल है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ऐड कर दिया है। आप मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करके भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। अब सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके ड्राई फ्रूट्स को कुछ देर ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हमने जो धनिया रखा था ना, वो अभी ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, धनिया को ऐड कर देंगे। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है जो अभी सेके थे, बस उन्हीं को ऐड करना है। तो इसमें थोड़े से काजू है, थोड़े से बादाम और मखाने। जब हम धनिया के साथ इन ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करेंगे तो धनिया के साथ ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी आएगा, इससे टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। और हमने अब ये धागे वाली मिश्री ली है, इसे भी ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। हमने धनिया का पाउडर बना करके डायरेक्टली ड्राई फ्रूट में ही ऐड कर दिया है, और ना साथ में 1 से 1.5 चम्मच हम सौंठ का पाउडर भी ऐड करेंगे। आपके पास सौंठ का कोई लड्डू वगैरह है ना, तो आप सौंठ पाउडर के स्थान पर लड्डू को मैश करके ऐड कर सकती हैं। धागे वाली मिश्री का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। 3 से 4 बड़े चम्मच भर करके इस पाउडर को ऐड करेंगे। आप ना धनिया के पाउडर को माप कर लीजिए, और फिर उसके आधार पर थोड़ा सा कम मिश्री को ऐड कर सकती हैं। अब पंजरी के टेस्ट को जबरदस्त बनाने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर घी को ऐड कर दिया है। चाहे तो घी को गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं। हमने जो चीजें भी ऐड किया है, सभी को अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसलिए अपने हाथों से ही मिक्स कर देंगे। अब ये मंदिर से भी बढ़िया सुपर टेस्टी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पंजरी बन करके तैयार है। इसकी खुशबू से सारा घर महक रहा है। आप धनिया और गुड़ की पंजरी भी जरूर बनाइए। रेसिपी देखना है ना, तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो जो भी इस प्रसाद को खाएगा, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो या फिर पड़ोसी, तारीफ ही तारीफ होगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक का बटन दबा करके इंडिया किचन क्वीन को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। जय श्री कृष्णा।